ओके, मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे मास्टर कैम 2018 के अंदर टर्निंग के ऑपरेशन। तो यहाँ पे जैसे ही हम कोई मशीन लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास मिलिंग है लेथ मशीन, तो जैसे ही मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लेथ मशीन डिफ़ॉल्ट आ जाएगा और साथ के साथ यहाँ पे टर्निंग के ऑपरेशन भी खुल जाएंगे। ठीक है, आप माउस मत हिलाओ, मैं करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को सबसे पहले तो स्केच चाहिए, तो स्केच बनाते हुए हमारे को ध्यान क्या रखना है, इसको टॉप व्यू करो और यहाँ पे हम एक स्केच बना देते हैं। ठीक है, यहाँ से मल्टी लाइन ले लेता हूँ। हम कोई जो भी स्केच बना रहे हैं वो हम ऑटो कैड में भी बना सकते हैं और यहाँ पे भी डायमेंशन लेके बना सकते हैं, कहीं से भी ला सकते हैं, चाहे ऑटो कैड की फाइल ले आओ चाहे यहाँ पे बना लो, एक ही बात है। हम आज सारे टूल पाथ करने की कोशिश करेंगे, रफिंग भी, री रफिंग भी, फिनिशिंग भी, ठीक है, पैटर्न भी। तो हमारे को सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, कोई भी चीज़ अगर मुझे टर्निंग करनी है तो रफिंग के लिए मुझे सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास स्ट्रेट हो या रेडियस हो। तो मैं यहाँ पे रेडियस भी लगा सकता हूँ, स्ट्रेट भी लगा सकता हूँ। तो 5 mm है यहाँ पे, इसकी वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिलेट लगाएंगे, दोनों लाइनों पर क्लिक कर दो, वैल्यू भरो। ठीक है, तो ये मेरा स्केच बन गया। तो अब हमारे को क्या करना है, टर्निंग में जाना है और रफिंग में जाना है। तो रफिंग में अब क्योंकि मैंने यहाँ पे और यहाँ पे लाइन नहीं लगाई हुई, ठीक है, तो मैं चेन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो चेन में मैं ये कर्व सेलेक्ट करूँगा तो ये पूरी कर्व सेलेक्ट हो जाएगी। मान लो मुझे चेन नहीं करनी है तो मैं यहाँ से पार्शियल भी ले सकता हूँ। पार्शियल में क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताओ और एंड पॉइंट बताओ तो वो कर्व जो है ऑटोमेटिकली चेन सेलेक्ट कर लेती है। तो ओके करेंगे, तो जैसे ही ओके करूँगा तो ये हमारे पास एक विंडो खुल जाएगी जिसमें हमारे को टूल बताना है कि मुझे रफिंग करनी है तो रफिंग का टूल ले लो, फिनिशिंग करनी है तो फिनिशिंग का टूल ले लो। जैसे ही हम कोई भी टूल लेते हैं तो उसका फीड रेट, फिंडर स्पीड, सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, अगर मुझे RPM देने हैं तो RPM दे दो, CSS के अकॉर्डिंग देना है, माइक्रोन में कट लगाना है तो माइक्रोन बता दो, MM पर रेवोल्यूशन, जो वैल्यूज़ हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर रफिंग के कुछ पैरामीटर भी है, इनके बारे में भी देखेंगे, पहले एक बार हम इसको ओके कर देते हैं। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा देखो मेरा टूल पाथ जो है क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे इस टूल पाथ को चला के देखना है तो यहाँ टूल पाथ पे क्लिक करो और प्ले का बटन दबाओ। तो जैसे ही मैं प्ले का बटन दबाऊंगा तो ये हमारा टूल आएगा और कटिंग करके दिखाएगा। बट अभी हम इसको 2D में देख रहे हैं, अगर मुझे 3D में देखना है, ठीक है, तो 3D में देखने के लिए इसको ओके कर देते हैं। 3D में देखने के लिए मुझे स्टॉक बनाना पड़ेगा, तो स्टॉक बनाने का क्या तरीका है, यहाँ स्टॉक सेटअप में जाओ और ये देखो यहाँ पे ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ की, स्टॉक के अंदर प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टीज़ के अंदर मेक फ्रॉम 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, ओके करेंगे तो ये हमारा जो टूल पाथ का स्टॉक बन गया। और इसको फिर से रीजनरेट भी करवा दें, तो ये देखो ये कुछ इस तरीके से इसने कटिंग कर। तो ये हमारा रफिंग का ऑपरेशन है। अब हम इसके पैरामीटर देखते हैं, तो पैरामीटर पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इक्वल स्टेप चाहिए, हमारे को 2-2 mm का कट लगाना है, मिनिमम कट डेप्थ जो है 0.01 की है। ठीक है, कई बार हमारा जो मॉडल है वो पूरा ना हो के कुछ पॉइंटों में हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे मिनिमम डेप्थ देनी ज़रूरी है। स्टॉक कितना छोड़ना है फिनिशिंग के लिए, क्योंकि ये रफिंग है तो फिनिशिंग के लिए आपको कितना स्टॉक देना है वो हम यहाँ पे वैल्यू भर सकते हैं। एक ये एंट्री और एग्जिट है कि फीड स्पीड कितनी देर दूर पहले से स्टार्ट हो जाए, 2 mm रखते होते हैं वैसे, तो यहाँ पे 2 mm कर देते हैं, 2 mm पहले से हमारा जो टूल की फीड स्पीड ऑन हो जाएगी और 2-2 mm का कट लगेगा। ये सब पैरामीटर सिर्फ हम ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, हम अपने मटीरियल के अकॉर्डिंग भी हमारे को कौन से हार्ड मटीरियल काटना है, सॉफ्ट मटीरियल काटना है, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ भर सकते हैं।
ये है एग्जिट। अब काटने के बाद बाहर कितना निकलना है, तो मुझे नहीं निकलना, जीरो कर देता हूँ मैं, ओके कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको वेरीफाई करके देखूंगा यहाँ से, तो ये हमारे को कटिंग करके दिखाएगा। वेरीफाई जितनी देर में वेरीफाई हो रहा है, तो जो भी लोग वीडियो देखेंगे, ये सबको रिक्वेस्ट है कि सब लाइक करनी है, सबने कमेंट भी करना है, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में लोग हैं मास्टर कैन जो सीखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टर्निंग बहुत मुश्किल है या मिलिंग बहुत मुश्किल है, मास्टर कैन को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारे टूल पाथ दिखाता हूँ मैं आपको अभी। तो इसको प्ले करेंगे तो ये मेरा जो है रफिंग का टूल पाथ क्रिएट हो गया, ठीक है। बट इसमें गलती हुई है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी। उसका वो क्या है कि हमारा जीरो पॉइंट है यहाँ, जबकि जब भी हम टर्निंग करेंगे तो हम जीरो पॉइंट यहाँ पे लेंगे, ताकि मेरे को मशीन में टचिंग लेते हुए आसानी हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा और मूव टू ओरिजिन को ये वाला पॉइंट दे दूँगा, ठीक है। तो जब मैंने इसको चेंज किया तो मुझे स्टॉक को भी चेंज करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी में जाएंगे और स्टॉक में टू पॉइंट दे देंगे, ठीक है। स्टॉक आ गया, ओके करेंगे, ओके करेंगे और फिर से एक बार रीजनरेट दबाएंगे। तो ये मेरा आप देखो टूल पाथ जो है बिल्कुल क्लियर सही बन गया, ठीक है। अगर आपको इसको पोस्ट प्रोसेस करना है, मान लो मुझे इसकी एनसी फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ G1 पे क्लिक करेंगे और ये देखो ये डॉट एनसी फाइल आ रहा है, इसको ओके कर देंगे तो हमारा जो कोड जनरेट हो जाएगा, इसको नाम दे दो A1, ठीक है। कुछ भी अच्छा सा नाम दे देना, ताकि हमारे को बाद में आसानी हो ढूंढने में, ठीक है। तो ये कोड एक्सपोर्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर नया खुल जाता है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं इसका कोड, और ये अपने आप खुलेगा। ये एक्चुअली में स्टार्टिंग में कोड मास्टर जब भी खुलता है तो ये हमारे से कुछ परमिशंस मांगता है कि मैं, क्योंकि हम उसकी हार्ड ड्राइव को खोल रहे हैं ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो इसलिए वो परमिशंस मांगता है हमारे से कि इसको खोलना है कि नहीं खोलना। तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम इसका जनरेट हो गया, ठीक है। तो हमने रफिंग करना चाहते थे, उसका प्रोग्राम भी जनरेट हो गया, और अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ताकि जो थंबनेल लेके आप यहाँ पे आए हो वो भी आपको दिखने लग जाए। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है, इसको प्ले करता हूँ। ठीक है, तो टर्निंग का प्रोग्राम बन गया, वेरीफाई भी कर लिया हमने और इसका प्रोग्राम भी जनरेट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम देखेंगे कि रफिंग हमने कर लिया, ये रफिंग का ऑपरेशन हो गया, तो अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन में देखेंगे कि हमारे को फिनिशिंग का ऑपरेशन कैसे करना है, ठीक है। रफिंग के साथ साथ फिनिशिंग कैसे करना, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है, उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सारे ट्यूटोरियल देख सको, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में है सबको बोलना है सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन भी दबाना है और सबके साथ वीडियो शेयर भी करना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मास्टर कैम में, कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, जाके कमेंट करो, कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ठीक है। इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई, मैंने फिनिश करने वाला था, बट मुझे एक चीज़ याद आई कि जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी छोटी सी बताने वाली, कि हम वेरीफाई के अंदर जब मैं इसको बड़ा करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो कई चीज़ें नज़र आती हैं। मेरे को टूल पाथ में यहाँ पर नज़र आ सकता हूँ, मैं स्टॉक को हाईलाइट कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा पहला ट्यूटोरियल, तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था
कि यहाँ से हम इसको हाइड कर सकते हैं, हम इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, टूल को ट्रांसपेरेंट हाइड कर सकते हैं, इनिशियल स्टॉक कैसा है वो देख सकते हैं प्ले करके। ठीक है, इसको एक बारी और इस पर क्लिक कर देंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी कि ये हमने बनाना है और हमारा मेन स्टॉक क्या था। ठीक है, व्यू में जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास कंपेयर की भी ऑप्शन होती है, तो जैसे ही मैं इसको कंपेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो ये कंपेरिजन में दिखाएगा मैं कहाँ पे कौन सा कितना मटेरियल बचा हुआ है, क्योंकि हमारा रफिंग का ऑपरेशन है, तो ये देखो येलो वाली चीज़ जो है बची हुई हमारे को दिखा रहा है। अगर मुझे 1/4 देखना है, क्योंकि टर्निंग का ऑपरेशन है, तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं 1/4 पार्ट देखना चाहते हैं, या किस कौन से डायरेक्शन में आप देखना चाहते हो, थर्ड फोर्थ देखना चाहते हो, सेकंड क्वाड्रेंट देखना चाहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, व्यू में जाके मैं इसमें होम में जाके मैं टूल को हाइड कर सकता हूँ, मैं स्टॉक को भी हाइड, स्टॉक तो मुझे चाहिए, मैं इनिशियल स्टॉक को बंद कर देता हूँ। तो अगर मेरा कोई बोरिंग का ऑपरेशन होगा तो मैं यहाँ से वेरीफाई में जाके थर्ड फोर्थ कर दूंगा, तो चौथा हिस्सा दिखाने लग जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और भी कुछ बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट रोल में देखते हैं। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छी वीडियो बन गई। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं फ़ोटो खींच के, ताकि एक कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखना, जो भी लोग वीडियो देखते हैं सब लोग अपना नाम लिखो, ताकि पता लगे कौन कौन लोग वाकई में ट्यूटोरियल देख रहे हैं।